रेड ट्रायंगल में तबाही मचा रहा कोरोना। कोरोना के हॉटस्पॉट बने 3 शहर। मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद में बेलगाम कोरोना। कोरोना के कहर ने बजाई खतरे की घंटी। हिंदुस्तान का खतरनाक त्रिकोण। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देश के 3 महानगर मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इन 3 महानगरों में आपको बता दें देश के 30% मरीज हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 5,776 लोग कोरोना संक्रमित हैं। यहां पर 219 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ती जा रही है। देश के 3 राज्यों में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का अहमदाबाद और महाराष्ट्र का मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। महाराष्ट्र का मुंबई देश का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों वाला शहर है। यहां 5,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से ज्यादा है। बीएमसी ने मुंबई के हॉटस्पॉट की सूची जारी की थी, जिसके मुताबिक मुंबई के वर्ली, भायखला, अंधेरी वेस्ट, कुर्ला, कांदीवली और माटुंगा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इन सभी जगहों पर संक्रमितों का आंकड़ा 300 से ज्यादा है। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मुंबई से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव रंजन, सबसे बुरे हालात इस वक्त मुंबई में हैं। ये हम दिखा रहे हैं जो 5 जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, हालांकि 1,000 को क्रॉस कर चुका था मुंबई में आंकड़ा कंटेनमेंट जोन्स, वो कुछ कम हुए थे, 200 के करीब कंटेनमेंट जोन्स कम भी हुए हैं, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है। ये बताइए कि इन हॉटस्पॉट इलाकों में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ताकि यह संक्रमण कम से कम अब फैले। देखिए मीमांसा, जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उसमें साफ साफ तौर पर कह दिया गया है कि लॉकडाउन के दौरान, यानी जो लॉकडाउन चल रहा है उस दौरान कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उन इलाकों में दूसरे बाहरी लोगों का प्रवेश भी बंद है। यानी लॉकडाउन के दौरान आमतौर पर तो घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन उस दौरान वहां फेरी वाले हों या कोई सब्जी के विक्रेता हों, वो सारे के सारे वहां नहीं जा सकते हैं। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। वहां हर घर में जो हेल्थ कर्मचारी हैं वो जाके टेस्ट भी कर रहे हैं और बार बार ये भी देख रहे हैं कि उस इलाके में जो भी व्यक्ति है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा, उन पे गहन नजर है। और इसी साथ साथ ये किया गया है कि उन इलाकों में जाने से पहले अगर हेल्थ कर्मचारी भी जाता है तो उसकी भी वो टेस्टिंग की जाती है और उसके टेम्परेचर देखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर, और बाकी वो जाता है जाने के आने के बाद भी ये देखा जाता है कि उसे पूरी तरह से गाहे बगा है उस इलाके में, जो है कि वो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, यानी हर 2 दिन पर वहां सैनिटाइजेशन किया जाता है। जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उन्हें अल्टरनेट तरीके से उन्हें खोला जाता है। जैसे जिस इलाके में मैं हूं वो भी एक तरह से एक हॉटस्पॉट है, यानी यहां से वर्सोवा का जो कोली समाज का जो है, वर्सोवा कोली केंद्र जो है यहां से कुछ दूर पर है, इसलिए इस इलाके में भी पूरी तरह से लॉकडाउन को जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो 2 दिन के बाद, यानी हर 2 दिन के बाद ही वहां लोग जुड़ सकते हैं या सामान खरीद सकते हैं। और वहां आने के लिए भी लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग की भरपूर तरीके से उनको पालन करना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के इलाके हैं, जैसे वर्ली का इलाका है, जैसे धारावी का इलाका है, वसवा कोलीवाड़ा का है, कुर्ला, माटुंगा, इन इलाकों से वहां, यानी एक तरह से कहा जाए कि उन इलाकों में पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उन इलाकों में जाने के लिए, उन इलाकों में जाने के लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी दूसरे जो वाहन उस इलाकों से प्रवेश करते हैं वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जी राजीव, आप रहिए हमारे साथ। जो अहम जानकारी है वो जो आ रही है हमें मुंबई से मिल रही है। जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बहुत ही अहम फैसला लिया है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ कर्मचारियों को घर पर रहने का आदेश दिया गया है। जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है वो ग्राउंड ड्यूटी पर ना जाएं, ये फैसला लिया गया है। क्योंकि पिछले दिनों मुंबई पुलिस के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये अहम फैसला लिया।
कहा कि 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें घर पर ही रहने का आदेश दिया गया है। मैं राजीव आपके पास लौट कर आऊंगी और हमारे साथ शैलेश भी हैं जो मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, मध्य प्रदेश में भी हम शैलेंद्र देख रहे हैं कि मामले जो है कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो इंदौर है, भोपाल है, बुरी तरह प्रभावित। क्या वजह है कि यहाँ पर लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है? क्या लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा? टेस्टिंग वक्त पे नहीं हो पा रही है? दिक्कत कहाँ पर आ रही? देखिए, इंदौर के लिहाज से बात करें तो इंदौर को लेकर जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार भी ये मान चुकी है कि शुरुआती दौर में वहाँ लॉकडाउन का पालन कड़ाई से नहीं किया गया। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आई उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ा है, और वही कमोबेश स्थिति कुछ भोपाल की रही है। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो लगभग 2200 मरीज जो हैं वो मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें 1372 अकेले इंदौर जिले से हैं और इसके अलावा 425 के लगभग भोपाल से हैं। यानी पूरे मध्य प्रदेश के अगर देखें तो लगभग 70% के लगभग मरीज केवल इन्हीं दो इलाकों से हैं। हालांकि अब इन दोनों ही इलाकों में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शुरुआती दौर में हमने इंदौर में देखा कि जब टीम जो है प्रभावित इलाकों में जा रही थी तो उन पर हमला किया जा रहा था, पुलिस कर्मियों को वहाँ प्रभावित इलाकों में जाने से रोका गया, मेडिकल स्टाफ को रोका गया। उसके बाद जो है वो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, पुलिस को वहाँ सख्ती बरतनी पड़ी। डीजीपी ने खुद उन प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को ये समझाइश देने की कोशिश की। जी, बहुत ही सख्ती और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण लगातार वहाँ पर फैलता जा रहा है इसको काबू में करना बहुत ही जरूरी है। और इस बीच खबर हमें पुणे से मिल रही है जहाँ 20,000 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। पुणे के 5 हॉटस्पॉट इलाके भवनी पेट, कस्बा पेट, ढोले पाटिल रोड, यरवडा, घोले रोड इलाके से लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। इन इलाकों में 70,000 झुग्गियां हैं, लेकिन कम जगह होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है और ऐसे में इनमें से 20,000 लोगों को दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए शिफ्ट करने की तैयारी है। इन्हें आसपास के स्कूलों में और जो खाली मकान है, गोदाम है और कुछ कार्यालयों में रखा जाएगा और वहीं पर खाने पीने की जो चीजें हैं इन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। अरुण मेत्रे हमारे रिपोर्टर इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, 20,000 लोगों को शिफ्ट करना, उनके लिए व्यवस्था करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, एक तो ये शुरुआती दौर में 20,000 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन संख्या और भी बढ़ सकती है। आज की स्थिति अगर देखते हैं तो पुणे में करीबन 1100 से ज्यादा COVID-19 के मामले सामने आई है। पुणे जिले में अब तक 75 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। ऐसे में कुछ जरूरी चीजें, जरूरी कदम उठाने की जरूरत थी। तो जो डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके है, जहाँ पे झुग्गियों में लोग रहते हैं, जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल है, यहाँ के लोगों को इस तरह से वहाँ के आसपास के जो कार्यालय है, स्कूल है, वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है और वहीं पे उनके लिए सारी सुविधा है। ठीक है, तो पुणे में 20,000 लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी। और खबर दिल्ली से भी मिल रही है जहाँ जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अब तक 77 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें 75 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अस्पताल में तैनात 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना स्थानीय स्तर पर फैल रहा है, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना समूह में फैल रहा है। सत्येंद्र जैन के मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दिल्ली में कोरोना के दोगुना होने की दर 13 दिन है। एक्सपर्ट से अगर बात करो, वो कहते हैं एक महीने का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो इससे 50 गुना या 100 गुना केसेज होते। ये जो वायरस है बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है और ये मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो एक को हुआ निकल रहे कैसे रहे केस, एक ही परिवार से कई सारे लोग निकल रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो बंचेज में निकल रहे हैं, लोकल स्प्रेड बहुत तेजी से होता है इसका। और एक बड़ी खबर, लखनऊ में टीम 11 की बैठक में सीएम की ओर से निर्देश दिया गया। हरियाणा के 11,000 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश वापस लाए गए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, ये सीएम की ओर से निर्देश जारी किया गया है। कोटा से आए 11,000 छात्र छात्राओं को परीक्षण कराकर उन्हें घरों में क्वारंटीन किया गया है, उसकी देखरेख की जाए, ये निर्देश भी उनकी ओर से दिया गया है। प्रयागराज में रह रहे 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, उसे पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर बहुत ही हल्के लक्षण वाले मरीजों को डिटेल गाइडलाइन जारी की है।
सरकार के मुताबिक कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज घर में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं। अब तक कोरोना संदिग्ध और हल्के लक्षण वालों को कोविड केयर सेंटर में रखने का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसे मरीज घर में रह सकते हैं अगर घर में आइसोलेशन की सुविधा हो, परिवार वालों के रहने के लिए घर में अलग व्यवस्था हो, 24 घंटे घर पर एक आदमी मरीज की निगरानी करे जो अस्पताल के लगातार संपर्क में रहे। डॉक्टर के सुझाव से कोरोना मरीज के संपर्क में आए व्यक्ति को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेना है। आरोग्य सेतु ऐप फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य है, हमेशा नेटवर्क में रहे। मरीज को लगातार अस्पताल और जिला मेडिकल अधिकारी को स्वास्थ्य की जानकारी देनी होगी। सेल्फ आइसोलेशन की अंडरटेकिंग देना जरूरी है और घर पर हल्के लक्षण वाले मरीजों को डॉक्टर से संपर्क करना कब जरूरी है, इसको लेकर भी गाइडलाइंस जारी की गई है। ध्यान से सुनिए आप ये जानकारी। जब सांस की तकलीफ हो, छाती में लगातार दर्द हो, मानसिक भ्रम की हालत में होठ और चेहरे का नीला पड़ना, ऐसे मरीजों को तब तक आइसोलेशन में रहना है जब तक मेडिकल अधिकारी कोरोना फ्री न करार दे। तभी आइसोलेशन खत्म करें जब ये लक्षण आप में न दिखाई दे। तो आरोग्य सेतु ऐप फोन में डाउनलोड करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जिनमें थोड़े थोड़े जो माइल्ड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो दे दी गई हैं। और इसी खबर के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फॉरन लौटेंगे और खबरें लेकर। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।